अरे चार बार फोन आ लिया ना ठात ले। तू अपना काम कर। अरे मैं तो ज्यादा कहूँ धकरा किस कार हो। अरे तू इतना छोड़ना है तो अपना गेम में ध्यान दे। पुत्ते शो करो मामा ने कितनी बार कह रखी है जब मैं कितने बाहर हो मेरे द्वारा फोन ना करे करो। इधर से फोन नहीं दोबारा फोन ना कर दिए। यार तेरे हाथ पेर गई गेम है। विनय पत्ते बांट एक बार जी और खेलेंगे। ना भाई पत्ते नहीं खेलते और ये बैठ कर हम तो दारू पीवांगे। पत्ते चक्कर में दारू भी नहीं पी जा रही। माए के बोले भाई आवे के वो। हाँ हाँ आवे बेटा उसी ते तो बात करके आई हूँ मैं। और तू एक काम कर बेटा इतना अपने थाली तैयार कर। ठीक है माँ चल छोटी। दूसरे पहले भाई करा कि मैं बांधूंगी। ना बड़ी मैं हूं ना तो पहला राखी भी मैं बांधूंगी। ठीक है बेबे। ज्योति ये भाई आ गया थाली लिया। ज्योति बेटा भाई आ गया थाली ले चल। माँ तू कितनी बार जाली बार देखन भाई आया इब तक। अरे इब आ गया बेटा। हाँ हाँ बेबे सही आ गया भाई। भाई आशु बेटी रुक मैं ले आऊं भाई ने बार बुला के। माँ तू रहने दे जब वो खाम खाश हो मैं तेरे पर चिल्ला दिया ना मेरे पर देखा कौन ही जाओगा। कोई बात नहीं बेबे तू टेंशन ना ले वे भाई का तो डेली का ही काम है। हेलो लड़की ते सांझ हो गई तेरे पर घर नहीं बढ़ा जाता। एक घंटे के अंदर घर आ जा वरना इस घर के दरवाजे तेरे खातिर बंद हो जाएंगे। पड़ी रही है फिर अपने बेवड़े खानदान में। बेटी किसका फोन था? मां नितेश का फोन था। घना छोंग हो रहा है। बेटी उसकी भी गलती ना है तड़की ता सांझ हो ली इब ताई तेने राखी ना बांध ली। Thank you.
बेटी सुते भाई का राखना बांध दिया करते। माँ जब तक ये उठागा जब तक त्योहार ही चलेगा। आजा छोटी तू भी बांध दे भाई का राखी। ये मिठाई तू खा ले। आरती। हाँ भाई। माँ किधर जा रही है? माँ तो गई काम पे। काम पे? और इतनी तड़की तड़क? तड़की तड़क हो रही है यार, 11 बज रहे हैं। अच्छा तो एक काम कर, भीतर से मेरे कपड़े दे दे। देऊँ। भाई क्या टोवे है? कुछ ना लिया कपड़े दे। ना ना कुछ तो टोवे था तू। कुछ ना लिया कपड़े दे। माँ तेरे से कितनी बार कह रखी है तू ये दिहाड़ी मजदूरी ना करा कर, क्यों मेरी बेइज्जती करवाती फिरा है? ठीक से बेटा, कल तो दिहाड़ी पे नहीं आऊंगी। ले कुछ पीछे दे दे। सारे दे देने। देखो कितना चौधरी बन रहा है, काम भी नहीं करने देता और पैसे ही मांग रहा है। कोई बात नहीं। रजनीश बना नहीं लगो पैक भूख है। विनय ला जॉइंट दे यार, टूटन दूर कर दे। ते बात सुकल घनी होगी दिखे। ले फिर विनय बांड पत्ते
ना भाई, आज मैं सिर्फ पीने के मूड में हूँ। अरे वो तो खेलते खेलते ही पी लेंगे, जैसे तो राज के में दाव पलाना ना है, वह अलग बात से। आज तो मैं कुछ बोल लो, आज बस बैठ के पीनी है। ले तो भाई। सुनीता, सुनीता क्या बात होगी, खड़ी हुई है? सुनीता, जहाज तेरी तबीयत खराब थी, तन्ने काम पाने की क्या जरूरत थी, आज अगर आई आराम कर लेती। ठेकेदार, दिहाड़ी मजदूरी करके मेरे घर का चूल्हा छिल गया, जब मैं भी घर बैठ गई तो मेरे बालक के खावेंगे। यह बात तो तेरे छोरे ने सोचनी चाहिए, वो खान कुमार की उम्र में किस दलदल में दस्ता जा रहा। सुनीता मेरी बात सुन, तो ना कुछ दिन के लिए नशे मुक्ति के अंदर में छोड़ दे। ठेकेदार, जो कुछ कहना मैं कह ले, पर मेरे छोरे ने कुछ ना कहा। बेटे के प्यार में इतने अंधा ना होया करते, जो अच्छे बुरे की परख ना रहा। जब बेटा ही हो गया, उसका के अच्छा और के बुरा। तेरे नसन मावा, कई बार तो मन से लग गया, वो तन्ने ही बिगाड़ रखा। एक काम कर, घर चली जा, घर जाकर आराम कर। ठेकेदार, जो मैं घर चली गई, यो काम कौन करेगा? काम तो तेरे वेगा, फिलहाल तो ना आराम की जरूरत है। और नू नहीं सोचिए, तो ना आज की मजदूरी ना मिला, मैं आज की भी तेरी पूरी दिहाड़ी लिख दूंगा। ये कुछ पैसे पकड़ और दवाई ले लिए। छोटे, चोरी करना गलत बात है, ये पीछे शंकर के है ना? ये पीछे मेरे हैं। झूठ बोले, शर्म तो आती नहीं होगी, शराब भी तो था, बालक का एरोप्लेन चोरी कर लग गया। अरे छोड़ दो मेरे बेटे ने, क्यों मार लग रहे हो? जा ले जा इसने ठाके, शराब भी तो था ही हो, चोरी और कर लग गया। हाँ, चोर दिखे था मैं तो यू। माँ, क्यों क्या भाई क्या है? कुछ ना बेटा, चल तू भाई की खाट बिछा दे। बेटा, जो तने पैसे चाहिए थे मेरे तो मांग लेता, पर चोरी करने की क्या जरूरत थी तने? माँ तू भी मना रंगे जिसा समझन लगी, इतना दर्द तो मेरा उनकी मार का नहीं होया था जितना तेरी इन बातों का होया है।
आरती। हाँ माँ। उठ गई बेटा? हाँ माँ उठ गई। थोड़ी सी तो चाय बना ले बेटा। हाँ। और अपने भाई ने उठा दे नाले का। ठीक है माँ उठाऊँ। आरती। हाँ भाई। ये अड़े के करा है? कुछ नहीं मां ने कहा था कि अपने भाई ने ठाया। ठीक से आंसू। अरे बेटा चाय तो पी जा। माए के भाई ने अपनी कति भी परवाह नहीं रह रही। जब भाई कुछ चीजा खातिर इतना बदल सका है तो ऊपर वाला ऐसा भाई किसे ना ना देना। नू ना बोले करते बेटी, जिसा भी है अच्छा बुरा है तो तेरा भाई, अरे एक ना एक दिन भगवान अपनी भी जरूर सुनेगा। अरे कि मैं बताओ बेगा, इस सुनसान रास्ते पे क्या करना आ रहे यहाँ पा? अरे थोड़ा सबर राख, सब कुछ अपनी आँखें देख लिए। माल रुपया घट तक जेद थोड़े लकड़ जाए भी अड़े। आज इतने दिन बाद ही माल मिला है, फुल पार्टी हो गया तो। फिर इतना खर्चा किस खुशी में कर रहा तू? अरे खुशी तो मैं को ना, बस मूड कर रहा मंगवा लिया। फिर एक काम करिए, आसुता ना बताइए इसके बारे में, कदे अपने सर हो जाओ। अरे उसका कुछ ना हुआ है, बाकी मंगाया मैंने उससे खतर है। मतलब है? अरे तू बस देखता जा। फोन तो कर लिया, कदे आवा ही नहीं हो। अरे फोन स्विच ऑफ हो रहा है, तू चल ठिकाने पे। देखते रहे यार, पल्ला आके बैठा है, तेरा लगा था ये रुक जाएगा।
क्या बात है, आज तो माल तैयार करे बैठे है। अरे नाना इसने दर्रे तेरे खातर एक नंबर का सौदा ले रखा है। इसकी जरूरत ना है, आपन ले भाई इसने। अरे ले मन्ना दिखाइयो ना खचदा। Thank you.
बुढ़िया शर्म भी ना आंदी, मूड़ ते दूर की बात है, कदे ब्याज भी टाइम पे नहीं आंदा। सेठ तेने तो बेरा है, जमीन का एक टुकड़ा था वो बेच के बड़ी छोरी का ब्याह करा था, थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वो बेटा बीमार हो गया उसमें लग गए। सेठ अगले महीने तो ब्याज टाइम पे दे दिया करूंगी। जमी पागल मान की बुढ़िया, 6 महीने में तो तेरी देड़ी चढ़ा हूँ, और वो भी ब्याज की बात कर रहा है, और वो भी अगले महीने से। शर्म कर ले कुछ, धारा तो पागल बनाने का खानदानी पैसा हो लिया। यू नींबू कर बोल रहे सेठ, देख लिया रहा सोनू, यू आया ही माती, इतनी मेर आवे तो दे दे मेरे रुपये काट के। देख बुढ़िया, मेरे धोरे एक सकीम से, तू पीछे मैंने ना देइए, मेरे तो और ले लिए। मतलब? देख, तेरा यू मकान मेरे किले का लग गया है, यू मकान मेरे नाम कर दे और मेरे तो और पीछे ले ले। सेठ फिर हम कितना आएंगे? एक तरपाल लेकर झुग्गी घेर लिए। सेठ इतना जुल्म ना करे। चलो रे सोनू, इसके कोनो समझ में आवे। और बुढ़िया ई ब्याह टाइम ते दे दिए, बोर्ड का आना ना पड़े मने अड़े। अरे ये तो बढ़िया बालक था यार, नू कुकर हो गया। तने एक कहावत तो सुनी होगी कि अरे एक काम आदमी के पीछे एक औरत का हाथ हुआ है, पर तने यह बात भी सुनी होगी कि बर्बाद करने के पीछे भी एक औरत का हाथ हुआ है। तने मेरा भी हमें कोड बैगा तेरी बाट देखूंगी, टाइम तो नहीं आज के भी। आहो खुद तो बड़ा टाइम पाए करे ना, जो मेरे तक कहन लग रहा। और बता किसी चल रही तेरे पेपर की तैयारी? बढ़िया चल रही है मेरे पेपर की तैयारी तो। तने मेरा है, पापा नू कह रहे थे कि मेरी आगे कॉलेज की पढ़ाई मैं कितने हॉस्टल में जाकर पूरी करूंगी। यह तो अच्छी बात है, उड़े तने परेशान करने खातर मैं तो आऊंगा नहीं, जब तक तने अपने पापा ते हां बोल दी। आहो मैं इब्बे कौन सा चली गई, और वैसे भी मैं जान तक पहला पापा ते अपने बारे में बात करके जाऊंगी। रहन दे मन बेरा, तू मेरे पीछा छुड़ाने फिर है। लड़ूं भी तेरे ते, करूं मैं प्यार भी तेरे ते, जिस दिन दिखेगा तू नहीं मैं डरूं सवेरे ते, लड़ूं भी तेरे ते, करूं मैं प्यार भी तेरे ते, जिस दिन दिखेगा तू नहीं मैं डरूं सवेरे ते, तेरे चक्रा में मैं खोई फिरूं सूं, जब ते मिला तू मैं सोई नहीं सू, हाँ बैठी मान के तना मैं अपना, बेशक कागजा में तेरी होई नहीं सू, सूरज सा तू मने मिला ना डरू अंधेरे ते, लड़ू भी तेरे ते, करूं मैं प्यार भी तेरे ते, जिस दिन दिखेगा तू नहीं मैं डरूं सवेरे ते। लड़ूं भी तेरे ते, करूं मैं प्यार भी तेरे ते, जिस दिन दिखेगा तू नहीं मैं डरूं सवेरे ते, लड़ूं
भी तेरे तय करूं मैं प्यार भी तेरे तय जिस दिन दिखेगा तू नहीं मैं डरूं सवेरे तय मन नू तेरे तय बात है करनी तेरे तय मुलाकात है करनी हाल होए जो दिल का कहना से हाय दर्द दूर हो जाए मिल के दिल के तार जुड़ जाए दिल तक जन्म जन्म तेरे संग ही रहना से माँ मैं जाऊं हूँ रुक जा बेटा मैं चाय बना दूँ चाय पी के जाइए ना माँ चाय नहीं पीता कित जावे तू कॉलेज में जावे के माँ मेरा कॉलेज तो कद का पूरा हो लिया इब तो बस डिग्री आनी बाकी है किते और काम जाऊं हूँ वेरा नहीं छोरा भी किस धुन में खोया रहा के बात करना इग्नोर करना आवे है के औरन सुनाई ना देते सब सुना है मैंने और जो तेरी टांग खींचने मजा आवे ना बस पूछे मत बस करे मुंह के बनावे है इब मैंने स्कूल में भी जाना है चल बैठ ठीक है तू स्कूल जा मने कुछ काम जाना है हाँ हाँ अच्छी डाड़ा जानू मैं तेरे इनकम मान है तू छोड़ क्यों ना देता अपने इन सीढ़ी दोस्ता का साथ यार मैं कौन से इनकी गैल बैठ के कुछ पीऊं हूँ मैं तो ऊं बैठ जाया करूं बस सिगरेट तो तू पीने लग गया है आराम आराम तो सब कुछ पीने लग जाइए और जब तक इतना नास ना कर लेना इतना पैंडा ना छोड़ देंगे यार तू किसी बात कर रहे हैं तेरा ना आवे कुछ समझ मैं जाऊंगी अरे भाभी के मैं छो मलाग दी कि मैं बात हो रही है यार इसी कोई बात ना है उसका मेरे बगैर जी ना लगता बस गुस्से में कुछ भी बोल दे है ले फिर आशु कर जॉइन मार कशे चल फिर दिनेश आशु ने अपने डब घुमा लिया वहां हाँ हाँ सही बात है चल चलेंगे ना यार आज मने कितने काम जाना है एक काम करो थम दोनों जाओ भी मैं कुछ खाता पीता तो हूं नहीं कोई ना आशु भाभी ने कह दी होगी जब तू मर गया जान तो नाटा है यार थम ना मानो चलो ले भाई आशु मार दो दो पैग ना भाई आप बस यो सिगरेट तक ठीक है ये दारू दुरू अपने बस की ना है Thank you.
दिनेश यार मैं चालू हूँ तो हम दोनों करे इंजॉय। ना भाई तू ना करे। अरे आशु सुनता जा। अच्छा यार चल आप मारेंगे। अच्छा तो कब जावे तू अपने हॉस्टल? ये कोई 10-15 दिन बाद, पर मैंने सोचू हूँ कि मैं जानते पहला पापा था एक बार अपने बारे में बात कर लूँ। जे तेरे पापा ने मना कर दी तो? वे मेरी किसे बात ने मना ना करते, और यह तो अपनी पूरी जिंदगी का सवाल है। पापा मैंने आप तक एक बात करनी है। हाँ बेटा बोल। पर अपने हॉस्टल लेकर कोई बात ना करिए, तना उड़े रहे अपनी पढ़ाई पूरी करनी। हाँ पापा वो तो मैंने बेरा है, पर बात कुछ और है। और की बात है बेटा? पापा मैं एक छोरे से प्यार करूंगी। पापा मैंने बेरा है कि यू सब आपके उसूला के खिलाफ है, पर मैं आप तो बताए बिना कोई भी डिसीजन ना ले सकती। कौन है वो और क्या करे? पापा उसका नाम आशु है, उसने भी अपना कॉलेज कंप्लीट करा है, जल्दी उसने कोई जॉब भी मिल जाएगी। घर में कौन कौन है? उसकी माँ है, दो बहन है, और उसके पापा की काफी टाइम पहले डेथ हो गई थी। तो कब मिलवा रही है? जब आप बोलो। ठीक है कल बुला ले उसने, अगर मेरा पसंद आ गया तो तेरी दोनों की शादी करवा देंगे। ठीक है। देखिए पापा आप आशु ने पहली बार देखते पसंद कर लोगे। ठीक ठीक है ओके। हेलो आशु तने बेरा है आज क्यों होया? क्यों होया आज ते कुछ घणी खुश लग गया है। आज मैंने पापा ते अपने बारे में बात कर ली। अच्छा की बोले फिर तेरे पापा? वे तेरे से मिलना चाहवे हैं, कल बुलाया है तू। ठीक से आ जाऊंगा मैं। और सुन कल ने टाइम तो आ जिए, क्योंकि फिर पापा ने ड्यूटी पे भी जाना हुआ है। हां तू टेंशन ना ले, मैं टाइम तो आऊंगा। चल ठीक है मैं तेरे तो बाद में बात करूंगी। ठीक है। माँ मेरा फोन दे दियो। ले बेटा कित जावे? कुछ ना मैं एक बार कॉलेज में जाके आऊं। ठीक से। माँ
की बात है बेटा, ठाया नहीं फोन? ना पापा, मेरा ना क्यों हो रहा है? देख बेटा, मैं बोलना नहीं चाहूं था, पर आजकल के बालक शादी का नाम लेते लुकते हैं। क्या करें, सच्चा प्यार करनी है तो इस दुनिया में बहुत कम रह रहे। ना पापा, आशु ईसा ना है। ईसा नहीं है तो फिर आया क्यों नहीं? ना तेरे फोन उठाता। खैर मेरी बात सुन, अगर फोन उठा भी लेना तो उसने बता दिए, मेरे तो इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना? अरे कई बार समझा रखे था हम, आज फिर यार पीन लाग रहे, पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी तारी। जी मानोगे? शर्म कर लो कुछ, कति भी नहीं मानते था हम। ये हमारी जमीन है, हम चक्की में करा, तारा पास जो होता वो कर लो। अरे की बात तो, ये गांव वाले की स्त्री आ रहे थे। अरे कुछ ना यार, धमकी दे बोला तारी पुलिस कंप्लेन कराया था, मान दे छोरिया ना छेड़ो। चल अरे क्या बात है, इतना माड़ा जी क्या कर रहा है यार? आज प्रीति के पापा ने मिलन खातर बुलाया था। मतलब है? मतलब के उसने शादी खातर हाँ कर दी थी। फिर तो पार्टी होगी। कित पार्टी यार, सारा दिमाग खराब हो रहा है। प्रीति के पापा से मिलने खातर तैयार ही होया था। पर प्रीति मेरे फोन नहीं उठा रही। तो ये सारी बात छोड़, तू पैग ले, सारी बड़ खत्म हो जाएगी। अरे इतना ना सोचा है पीले के बरा ब्याह पचमो का लगे ना लगे। यार तो कड़वी घड़ी है। पीने प्रीति का फोन है, मैं एक बार बात करके आऊं। प्रीति, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तने बेरा भी है, तने के करया है? के करया है मतलब? इतनी मुश्किल से मैंने पापा मनाया था तेरे से मिलन खातर, पर तने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। प्रीति मेरी बात सुन, वो मां अचानक से रहने
दे यार, मैंने कोई भी एक्सक्यूज ना सुनना। तेरे तो बहुत मान्य हो मेरे तो बताने खातर। यार तू किसी बात करे है? तेरे तो एक लास्ट मौका है, कल पापा की ड्यूटी जानते पहले उन तब मिलन आ जाइए। ठीक है। अरे क्या बात है आज अपने आप पे? यार मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था, पर प्रीति का फोन आया ना, एक थोड़ी कलेजे ने ठंडक मिली है। एक न्यू लागे मेरी पूरी जिंदगी सेट होगी। आज तो बढ़िया पार्टी चल लगी, वो अभी पूरी रात है। हाँ प्रीति बेटा, बनकी चाय? हाँ पापा बनकी बस ले आऊं हूँ। ठीक है लिया बेटा। हाँ बेटा, वो आया नहीं, क्या नाम था उसका? पापा आशु। निमिता मेरे ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है। हाँ पापा बस वो आता ही होगा। चल कोई बात नहीं, जब तक मैं चाह पीऊँ जब तक आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। प्रीति बेटा, मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं तो जाऊं सुन, और मन नहीं लगता हूं आज भी आवेगा। आशु उठ जा बेटा। आशु माँ, मेरे में डॉक्यूमेंट दे दिए, किधर है? बेटा उनका केक रहेगा ही। मैं जाऊं हूं मां, किते काम धंधा देखूंगा। बेटा तो सच में काम करेगा? हाँ मां, इब तू कद तक काम करे जावेगी? और फिर इस मिंडकी का भी तो दोबारा किसी स्कूल में एडमिशन करवाना है। बेटा एक काम कर, तू ना ले और ये कपड़े बदल ले, मैं लाऊं तेरे कागज काट के। आरती भाई के कपड़े काट दे, नान खातर पानी गाल दे।
माँ रोटी गाल दे, मैं रोटी खा के जाऊंगा। ठीक है बेटा गाल लूं। अरे सर, आप किसको जॉब पे रख रहे हो? आप जानते भी हुए कौन है? क्यों, क्या हुआ? ये एक नंबर का नशेड़ी है, अगर आप इसको जॉब पे रखोगे ना तो कल से कंपनी में चोरियां स्टार्ट हो जाएंगी। I'm sorry. अरे नशेड़ी, आज ये फाइल बुक उठा रहा, तेरी बोतल कित गई? ठेकेदार, मैं कति मजाक के मूड में नहीं हूँ। मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा, तेरी सच्चाई बता रहा हूँ, कभी देखे नहीं ना फाइल उठाए। ठेकेदार कुछ काम देता हो तो बता दे, ना ये बात तो मैं तड़की तक सुनने लग रहा हूँ। मेरे दो रखे काम, मेरे दो रहते दिहाड़ी मजदूरी है, वो तेरे बस की है नहीं। ठेकेदार तू काम तो दे, जो तू बोलेगा मैं वो सब कर लूंगा। मारे दो रखे काम, मारे दो दिहाड़ी मजदूरी हो सा, कल तो भी आ जाइए। ठेकेदार एक मदद और कर दे। के मदद? वो मने कुछ पीसे चाहिए थे। आ लिया ना अपनी औकात पे, काम तो तना करे अभी नहीं, पीसे पहले मांगने लग गया। ठेकेदार वो मने कुछ सामान लेके जाना था। के सामान? घर का राशन लेके जाना है। तेरी माँ की था? माँ तो घर आए है। देख पीछे तो मैं दे दूंगा, पर देगा घर के बाहर ना। तेरा मने एक मिनट का भरोसा को नहीं, के बरा फिर बोतल ठेका खड़े हो जा। ना 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 ठेकेदार, ईब ना पीऊं। चल चल, पैसे तेरे करके बाहर ना दूंगा। ले पीछे पकड़, रे काम पा जिए। धन्यवाद ठेकेदार। माँ ले कुछ पीसे और घर का राशन ले आइए। ठीक है बेटा।
रुक बेटा, मैं रोटी गाल दूं। माँ तू रोटी पैक कर दे, मैं उड़े खा लूंगा। ठीक है। ले बेटा रोटी। ठीक शमा। ठीक है बेटा। माँ जे भाई नु रह जावे तो अपने कदे किसी चीज की जरूरत ना पड़े। बेटा ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। और चल तू रोटी खा ले, मैंने भी काम पे जाना है। ठीक है माँ। आ लिया फिर है? मना सोची थी तू आवे कोनी। ठेकेदार क्यों करना था, तने काम दिया पीसे दिए, इतना बहुत है मेरे खातिर। ठीक सा है, लग जा काम पे। हाँ बस मैं कपड़े बदल लूं। कपड़े बदल लूं मतलब? वो मैंने माता ने बताई कि मैं मजदूरी करूंगा, तो मैं अपने कुछ पुराने कपड़े इस थैले में डाल लिया। ठेकेदार तू भी ना बताइए कि मैं तेरे द्वारा दिहाड़ी कर लाऊंगा। ठीक है कोनी बताऊ, बदल ले कपड़े। आ गया बेटा। हाँ माँ। ठीक से मैं रोटी गाल के लाऊं। ना माँ बना के धर दे, जब भूख होगी तो मैं अपने आप खा लूंगा। Thank you.
आशु आशु बेटा काम पे नहीं जाना? हाँ माँ जाना है। अरे क्या बात, इतने दिन हो गए तेरे जिगरी यार का कि मैं भेज दे नहीं बेरा नहीं यार बाकी वो आए बिना रह तो ना करता। फोन फोन करके देख ले मना सुनिए कि ते काम धंधे पर लग गया हो यार। फिर तो मुश्किल है ना, बाकी काम क्या करने लग गया हो? दाड़ी करो ना मुनीम कौन लाओ था। ला चल फोन करके देखू। काट दिया बाकी तने बेरा कित काम करो हो? हाँ बेरा मना है। चल फिर चलेंगे अंधेर, फिर अपना सामान भी तो लेना है। ठीक है। भाई आशु यार दाड़ी कत्ता करनी शुरू कर दी। भाई कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। पर यो काम तेरा सूट तो ना करता। अरे सब तो चलता रहोगा, चल चलेंगे। अरे सारा सौदा फिट कर रखा है। ना 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 भाई मैं ना चलता, मैंने अपना काम भी करना है। अरे फिर काम ने कितना टा, फिर दो घंटे पाछे कर लिए। राज भाई का जन्मदिन है, इतना पार्टी में शामिल तो होना पड़ेगा। जन्मदिन है और के नू थोड़ी लेना है, आला सुखा सारा सौदा फिट है। जे मैं काम छोड़ के गया ना ठेकेदार मने काम पे तो काट देगा। वो भी तेरा लंच का टाइम हो रहा है, दो दो पैग मारेंगे और केक काट के तेरा उल्टा छोड़ जाएंगे। ना 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 भाई मैं ना चलता। चल चल लेंगे यो ना मानना है। विनय हम पक्का दो घंटे में उल्टे आ लेंगे। हाँ हाँ दिनेश बताने इसने। हाँ पक्का आ लेंगे। ठीक से तो मैं एक बार कपड़े चेंज करा। आशु भाई ए एक मिनट में आया मैं। मैं चेते कहूँ था ना इसे दो पैक पैसे फिर कितने नहीं चंदा। ठीक है सातू
इश्क दर भुग लगी अरे सारे काम भूल जाएगा। चल चलेंगे। चल Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये बात भाभी एकदम रुक क्या गई? अरविंद मने ना एक काम याद आ गया, तू घरा चल मैं आई। ठीक से भाभी टाइम तक राजी है ना भाई मन ना छुमा होगा। ठीक है पहले इतना गिरा उड़ है और कितना गिरेगा बस इतना तो बता दे कि मेरी गलती की थी। तू मने बता मेरी क्या गलती थी जो झूठे प्यार के वादे करे तने के खोए थी मान गया मेरे बाबू पर न्यूना बताई कि उस डॉक्टर खातर मानना है धोखे में रखा तने मैं धोखे में धोखा मन ने दिया या तन्ने और मैं आई थी उस दिन नाशु देखे है कितने नाम ने ना देखा बाकी कल तो मर गया खाई पी थी आज ना मेरा किस्सा है आशु ने भी पी थी के हाँ उससे ही तो पार्टी चल रही थी कल कित बैठे थे तुम हम अपने ठिकाने बैठे थे और कितने ना बैठे हर दम मैंने बता सको थारा ठिकाना खड़े है हाँ बता सका हाँ चल साहब इस पर साइन कर दो अच्छा जनाब आज तो नद कर दी कल तभी ज्यादा पी रहे आज में आज तो ने रामू की बहू का हाथ पकड़ लिया राम सिंह ये छोटा सा काम नहीं होता थारे पे साहब वे बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हैं और जिस जगह पे बैठ कर वे पीवे ना वहाँ उनकी खुद की जमीन है इसमें हम क्या कर सके हैं चलो भाई मैं देखूंगा कौन सा लाट साहब है वो आशु आशु मेरा पापा सही कहा करता तेरी गला मेरा कोई फ्यूचर ना है
ब्याह की बात आ गई तो तू लुकता होने लग रहा है। इब रही है अपनी नशा गला, मैं तेरी जिंदगी में दोबारा ना आऊं। हाँ बैठी मान कहता मैं अपना बेशक कागजा में तेरी हो ही नहीं सुन। ये उतने सहमत उठ पड़ा है, इसका थाने में ले जाकर क्या करेंगे, इसके घर क्या नारे बुला ले। साहब इसने तो मैं जानू हूँ। अच्छा हाँ, आज तो मैंने पहली बार देखा है, योना से पते ना कराया करता। चलो इस बार तो इसने माफ कर दूं, पर आगे कोई शिकायत मिलगी ना सीधा भीतर कर दूंगा इसने, और इस कोठड़े के ताला लगवाऊंगा। ठीक है साहब। प्रीति बेटा आज भी नहीं आया, वो उसने पुलिस वाले डर लग गए है या जान पूछ के नहीं आ रहा। ना पापा, उसने कोई काम हो गया होगा। तू एक काम कर, उसका फोटो दिखा दे या एड्रेस बता दे, मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ पापा मैं एड्रेस बता दूंगी, फोटो देख लो आप। प्रीति तेरा इसके अलावा कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों पापा, आप आशा ने क्यों कर जानो हो। आज इसकी थाने में शिकायत आई थी कि यो आती जाती छोरी अनछेड़ है, यो एक नंबर का नशेड़ी और आवारा है। मेरी बात सुन छोरी, कल अपने हॉस्टल चली जा, इस जन्म में तो इस गलिया तरह मैं करूं कौन है। सही कया करता मेरा बाबू कि तेरा मेरा कोई फ्यूचर ना है, और जो अपनी मार बेबे का ना होया वो मेरा कड़े तो हो जाता। सबसे बड़ी गुनेगार तवातरी माँ है जो दिहाड़ी मजदूरी कर कर के तेरे नशे के खर्चे पुगान लाग रही है, ना तो तेरे जिसे छोरे थे तो गोली देकर मार देनी चाहिए। और हाँ, जो तेरा थोड़ा बहुत भी जमीर जिंदा हो ना तो किसी सरकारी बस तड़ा कर मर जा, कम से कम तेरे घर क्या रहे तो 2 रुपये मिल जाएंगे। सारी उम्र लिकड़ गई उस बुढ़िया की, तेरे पाछे दुखी होते, कम से कम उसका बुढ़ापा तो सुधर जाएगा। हाँ थोड़ी बहुत भी शर्म हो ना तो मेरी बात आप गौर जरूर करिए। लिकर जो लेता क्या जो लेता हम रखा हो न लेगा किसी के दिन दे सुधर जो थम लास्ट वार्निंग थारी लिया या समझा लिया मैंने छोरे ना शराब भी ना पी का कड़ी कड़ी पड़े रहा मैं जब तक यो जिंदा है ना थारा नुयो नाश होएगा काल आयो थारा काल। आशु माँ मने माफ कर दे, मने तुम बहुत रुवायो, बहुत जगह तारी बेइज्जती करवाई है, पर मैं आज पाछे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा माँ, दारू नशा कोई नशा नहीं करूं मैं, प्लीज माँ मने माफ कर दे। और छोटी खातर को बढ़िया सा स्कूल देख ले, इसका एडमिशन करवाएंगे, और ना घर के सामान की एक लिस्ट बना ले, घर का सामान लेके आना है ना, उन्हें बड़ी बेबे ने भी बुला लिए, उसकी जरूरत पड़ेगी तब निकाल। उसकी जरूरत? हाँ जरूरत पड़ेगी। Thank you.
देख लिया ना सोनू, यू आया ही माती, इतनी मेर आवे तो दे दे मेरे रुपये काट के। तेरा यू मकान मेरे किले का लागे, यू मकान मेरे नाम कर दे और मेरे तक और पीछे ले ले। भाई के भाई ने अपने कते भी परवारे रह रही, जब भाई को चीजा खातिर इतना बदल सका है तो ऊपर वाला इस भाई किसे रहने दे। जब तक यो जिंदा है ना थारा मुझे नाश होएगा, काल आयो थारा काल। जितना थोड़ा बहुत भी जमीन जिंदा हो ना तो किसे सरकारी बस तड़ा का मर जा, कम से कम तेरे घर क्या रहते 2 रुपये मिल जाएंगे, सारी उम्र लिकट गई उस बुढ़िया की, तेरे पाछा दुखी होते, कम से कम उसका बुढ़ापा तो सुधर जाएगा। माँ मने माफ़ करिए, शायद जब तक नया चिट्ठी मिले मैं इस दुनिया में ना हो, और न्यू ना सोचिए कि मैं अपनी जिम्मेवारियां से भाग रहा था, मैं थारे पर बोझ हो रहा था, नशे की इस दलदल में मैं इतना फंस गया था कि वापस आना मेरे बस का नहीं था, ना मैं अच्छा भाई बन पाया और ना अच्छा बेटा। मने माफ़ करिए माँ, मैं भगवान से यह दुआ करूँगा कि अगले जन्म में मने तेरे जैसी माँ तो देवे, पर किसे माँ ने मेरे जैसा बेटा ना दिया।